14वां दिन आज से SER 9 चालू करूँगा। शेड्यूल था कि सुबह 3 बजे उठ के जो 4 बजे की NS 14 सर्विस रहती है वो पकड़ूँ, बट आज का अवॉइड कर सकता हूँ, कल का नहीं 3 बजे उठना, इसलिए मैं आज लेट उठा कि 6 बजे, ज़्यादा ओवरलोड नहीं होना चाहिए इसलिए। दैट्स इट, अभी हल्दिया जाऊँगा आज पहला दिन SER का, देन हाँ उतना ही है, देन जो आमटा का डाउन पार्ट जो आज सुबह का था वो कभी बाद में रीशूट कर लूँगा। वेलकम बैक गाइस, कोलकाता सोजन के 13th व्लॉग में आपका स्वागत है। जिनको नहीं पता ये कोलकाता सोजन क्या है, कोलकाता सोजन मेरे उस 32 डेज ट्रिप के व्लॉग्स है जो मैंने बनाई थी टू एक्सप्लोर कोलकाता सबर्बन रेल नेटवर्क एंड टू मेक टाइम लैप्स वीडियोस आउट ऑफ दोस, जैसे मैंने आपके साथ मुंबई की शेयर किए हैं, और नेक्स्ट टारगेट ऑब्वियसली था मेरा कोलकाता। तो वो जब भी मैंने शूट किए उनके साथ मैंने डेली व्लॉग्स भी शूट किए थे, कैसे कैसे क्या हुआ, कहाँ पे फेलियर्स आए, कहाँ पे कौन सी दिक्कतें हुई, क्या क्या एंजॉय किया मैंने, एक्सप्लोर किया, और ये वीडियो है 13th व्लॉग उसका। 13th व्लॉग था 29th नवंबर 2018 का, टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा, नॉट अ गुड स्टार्ट विथ SER। अभी शुरुआत में आपने देखा कि मैंने जो मेरा प्लान था आमटा हावड़ा और उसके बाद जाके हावड़ा हल्दिया हावड़ा, तो अभी जब हावड़ा पहुँचा तभी पता चला कि SER, अभी SER का कंट्रोलिंग इतना मतलब वर्स्ट है इन केस ऑफ पैसेंजर ट्रेन्स एंड EMU ट्रेन, बिकॉज वो लोग ऑब्वियसली फ्रेट ट्रेन्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो उसके वजह से पैसेंजर ट्रेन्स जो है वो रेयरली शेड्यूल पे चलती है। हावड़ा जाने पे मैंने एक नोटिस किया कि ER का जो पार्ट है, ER की ट्रेन्स है, वो आने से कुछ 2 या 4 मिनट पहले इंडिकेटर पर उनका इंडिकेशन आ जाता है कि ये ट्रेन यहाँ पे आ रही है, फिर वो ट्रेन आती है ऑन शेड्यूल निकलती है मोस्टली। SER का उल्टा था, डिपार्चर टाइम गुजर जाने के बाद वो ट्रेन को वो डिजिटल डिस्प्ले पे इंडिकेट किया जाता था, एंड देन उसके बाद वो ट्रेन आती थी, मतलब बाय सोर्स ही वो ट्रेन लेट हो जाती थी। वैसे ही हुआ मेरी हावड़ा हल्दिया लोकल के साथ, कुछ 9:35 या 9:30 कुछ टाइमिंग था, और 9:40 को उसको इंडिकेटर पे शो किया, तो वहाँ से भागा दौड़ी किए कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी। एक तो हावड़ा हैज़ टू मेनी प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म ढूंढने में शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि अभी तक मैंने इतने दिन पीछे सब सियालदा डिवीज़न का ही मोस्टली कवर किया था, तो सियालदा का लर्न हो गया था कौन सा प्लेटफॉर्म किधर है, बट हावड़ा में थोड़ी मुश्किल आ रही थी, एंड ऐसे ही जा रहा हूँ तो अचानक से 13 नंबर प्लेटफॉर्म पर लग गई, तो 13 नंबर प्लेटफॉर्म ढूंढने में वैसे मुश्किल हो जाती है एज अ न्यू कमर, एज अ न्यू गाय। फिर ट्रेन आई कुछ 5 मिनट बाद, ऑब्वियसली शेड्यूल टाइम के 15 मिनट बाद वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आई, तो कितने टाइम वो खड़ी रहेगी पता नहीं, फट से निकल सकती है बिकॉज ऑलरेडी उसका डिपार्चर टाइम गुजर चुका था। तो जैसे जैसे कैमरा सेट किया, लकीली कैमरा अच्छे से सेट हुआ, कैमरा शूट भी बराबर किया कि ना ही सक्शन कप ने कहीं पे सक्शन छोड़ा या कैमरा में कहीं मेमोरी एरर आया, अच्छा खासा शूट हो रहा था, बट इन द मीनवाइल चलो लेट्स सी क्या हुआ देखते हैं, मैंने वो टाइम पे रिकॉर्ड किया था। SER का फर्स्ट डे टाइम लैप्स, पहले तो आधा तो कैंसिल किया था सुबह का आमटा हावड़ा, और अभी जब भी हल्दिया आ रहा था तो हल्दिया वो दुर्गाचक स्टेशन के एक स्टेशन पहले, बहुत बड़ा नाम है, वहाँ पे फेल हुआ सेइंग कैमरा इज टू हीटेड, तो वो टाइम लैप्स हाफ वे में फेल हो गया। अभी देखते हैं कि रीशूट करना तो पड़ेगा ही, ऑब्वियसली गिव अप नहीं कर सकता, अभी जाते वक्त भी शूट कर रहा हूँ, वो भी थोड़ा सा मतलब डेलाइट का इशू है, 6:02 को हावड़ा पहुँचने का टाइमिंग है, वो तो कुछ डेलाइट में मिलने नहीं वाला, बट एक रखूँगा अगर पॉसिबल हो रहा है फुल, तो अगर अभी मतलब ऐसा है कि ये पूरा दिन को जो मतलब गैप वाला डे है ना उसमें यूटिलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आमटा का भी मैंने नहीं किया, एंड एज वेल ये भी फेल हो गया, फेल मतलब
वो स्टेशन तक परफेक्ट हुआ है, बाद में कैमरा थोड़ा ओवरहीट हुआ क्योंकि सनराइज उसी साइड से थे और वो स्टेशन पे गाड़ी बहुत टाइम रुकी रही, कुछ 17 मिनट क्रॉसिंग के लिए। अभी कुछ नहीं, अभी बस हल्दिया में अंदर जाके थोड़ा सा डिनर वगैरह लंच कर लिया, खाने के लिए साथ में लेके आया सब। अभी ये 3 बजे निकलेगी, अभी 2 बज रहे, 3 बजे निकलेगी। एक तो मैदा है उसके कारण कैसा कि विंडो को नहीं चिपका सकता, अनफॉर्चुनेटली मैदा मिली। मैदा मतलब राइड करने के लिए मुझे बहुत पसंद है, बट टाइम लैप्स करने के लिए मतलब ये पूरा 3 घंटे का मुझे स्टैंडिंग आना पड़ा और अभी स्टैंडिंग जाना पड़ेगा। अब मोर ओवर वो फील भी हो गया, तो आई होप कि जब रीशूट करूँगा तभी मैदा मिले, क्योंकि तभी फिर जो स्टेशन से फेल हुआ है उसी स्टेशन से मैं सेम फ्रेम में कंटिन्यू कर सकता हूँ। सो दैट्स नॉट द इशू, वो तो हो जाएगा अभी। हाँ, हल्दिया एरिया भी मस्त है, यहाँ पे कॉलेजेस वगैरह है शायद, तो वहाँ पे अंदर जब भी लंच करने गया था तभी स्टूडेंट्स बहुत थे और हिंदी थोड़ा ज़्यादा नॉर्मली यूज़ हो रहा है। हल्दिया में DMU फैक्ट्री भी है। फर्स्ट टाइम देखा कि कैमरा ओवरहीटिंग के कारण बंद हुआ, ओवरहीटिंग का एरर देख के मैं फ़ोटो दिखाऊंगा। तो बस अभी यहाँ से ट्रेन निकलने का इंतज़ार करना है और फिर शाम को 6 बजे कुछ हावड़ा पहुँचूँगा, उसके बाद फिर घर। मतलब ज़्यादा लेट तक नहीं रुकना है, 6 बजे हावड़ा पहुँच के समथिंग 7:30 तक घर पहुँच जाऊँगा। होप्सो वापस आया, बट
और दीघा सॉरी हल्दिया का कैसा है कि हल्दिया किसी डे के साथ शेयर नहीं हो पाएगा क्योंकि सुबह 9:30 को जाने के बाद वो सीधा रिटर्निंग का अराउंड 6 को ही होता है, तो वो फुल डे जो एक अंदर का मेरा इशू वाला गैप डे है वो पूरा देना पड़ेगा हल्दिया को। अभी लेट्स सी, अभी थोड़ा सा आज शेड्यूल मॉडिफाई करता हूँ। और कैसे ये सिटी के साथ थोड़ा सा ये हो गया, मैं मिक्स हो गया कि आज एसक्यूएल में बैठे बैठे नींद लग गई और अपना स्टॉप टेक्नोपोलिस स्टॉप आने से पहले जाग भी आ गई बराबर। मिक्स हो रहा हूँ ये सिटी के साथ, अभी इतना 14 दिन हो गए तो ऑब्वियसली होना ही है। अच्छा लग रहा है अभी आजकल। सो अब तक जो आपने देखा उससे पता चल गया होगा कि हावड़ा हल्दिया टाइम लैप्स बासुलिया सूताहाटा जो स्टेशन है वहाँ तक ही मेरा शूट हुआ। ऑब्वियसली मैंने हावड़ा हल्दिया टाइम लैप्स अपलोड किया है इसके पहले, ये वीडियो आने के पहले, तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने वो डबल शूट किया था। सो ये स्पेसिफिक 29 नवंबर डे उतना कुछ खास यूटिलाइजेबल नहीं रहा कि जो मैंने शूट किया वो मैं यूटिलाइज पूरी तरह से नहीं कर पाया। इवन इन द रिटर्न डायरेक्शन जो हल्दिया हावड़ा टाइम लैप्स शूट किया वो भी उलूबेड़िया के बाद पूरा डार्क आया। सो मतलब ऐसा उलूबेड़िया तक वो यूज़ कर लूँगा, उलूबेड़िया से हावड़ा दूसरा शूट कर सकता हूँ मेधा में। सो ये पूरा डे जो प्लान था वो कोई भी एंगल से सक्सेस 100% सक्सेसफुल नहीं रहा। आमता पहले मैंने कैंसिल किया, कैमरा गर्म होने के कारण हावड़ा हल्दिया फेल हुआ पार्शियली, और हल्दिया हावड़ा पार्शियली डेलाइट के कारण अनयूजेबल हुआ। अभी नेक्स्ट डे का प्लान था मेरा दीघा जाने का 30 नवंबर। दीघा जाने के लिए भी जो शेड्यूल था वो कुछ था 3 AM का वेकअप कॉल था, और यहाँ पे मैंने मेधा में फुल डे डोर पे स्टैंडिंग बिताया था बिकॉज मेधा में तो विंडो पे लगा नहीं सकता कैमरा, ग्रिल रहता है विंडो को, तो फुल डे डोर पे स्टैंडिंग 3 घंटा 3 घंटा डाउन। सो नेक्स्ट डे का जो प्लान था वो भी मैंने मॉडिफाई किया बिकॉज चलो दीघा किसी और प्लान के साथ इंटरचेंज कर दें कि दीघा उस दिन पे चला जाऊँगा और वो जो प्लान है जो मैं इंटरचेंज करूँगा वो अगले दिन करने का प्लान डिसाइड किया। तो घर पे जाके मैंने प्लान्स मॉडिफाई किए, लेट्स सी के कौन सा प्लान उसके साथ मैंने इंटरचेंज किया। एंड ये वीडियो मैंने 2 दिन का इसलिए रखा है बिकॉज अगर एक ही दिन का रखता तो बहुत छोटा हो जाता यार ड्यूरेशन में। एंड ये दोनों दिन 29 नवंबर और 30 नवंबर कुछ ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा मैं कहीं घुमा नहीं था, जो टारगेट था टाइम लैप्सेस का उसी टारगेट पे जुड़ा था, तो उसके वजह से एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कुछ कवर नहीं हुई थी। तो ये बहुत ही कम ड्यूरेशन का वीडियो हो जाता अगर एक एक का बनाता, एक एक दिन का दोनों अलग। सो ये दोनों दिन का मिला के एक वीडियो है। 15वां दिन आज थोड़ा सा मॉडिफाई करके गोघाट जा रहा हूँ, पहले जाना था दीघा बट अभी गोघाट क्योंकि दीघा थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ जाएगा तो वो कल कर लूँगा मैं। आज थोड़ा सा क्लाउडी हुआ है वेदर इसलिए अभी भी लाइट्स वगैरह चालू है। अराउंड 5:50 हो रहा है अभी, 5:50 को निकला हूँ, 5:40 अभी क्या बस मिलेगी, बस से हावड़ा, हावड़ा से गोघाट 7:25 का ट्रेन। चलो पंद्रह
गोगाट गैस का और अमता गोगाट ईआर का है, अमता एसीआर एसीआर का कंट्रोल इतना थर्ड क्लास है ना, पूरा नहीं पता बट एटलीस्ट हावड़ा स्टेशन का लाइक ईआर का ट्रेन जब भी रहता है तभी डिपार्चर टाइम के 15 मिनट पहले ही वो लोग इंडिकेटर पे और प्लेटफॉर्म अलर्ट कर देते हैं। वही एसीआर ट्रेन डिपार्चर टाइम के 5 मिनट बाद इंडिकेटर पर डाल देते, मतलब लोगों में भगदड़ तो होगी ही, कन्फ्यूजन होगा ही। आज जो मेरी अमता लोकल थी वो आधा घंटा लेट छोड़ी हो गई और ओबियसली अमता 25 मिनट लेट छोड़ी, तो अमता पहुँचे तो थोड़ा डार्क हो गया था, डस्ट यू कैन से नॉट ट्वाइलाइट, बट सी वो बराबर आता है, बराबर दिख रहा है या नहीं, नहीं तो फिर एक मतलब टाइम निकल के वापस शूट करना पड़ेगा वो 1.5 घंटे का रूट है। गोघाट कम्प्लीट हो, गोघाट परफेक्टली कम्प्लीट हुआ, बस रूट है गोघाट, रूट भी मस्त है। 15 दिन हो गए लेकिन अभी भी मतलब अभी कभी कभी ऐसा लगता है कि जो 32 डेज़ का प्लान था वो 2 महीने का बनाना चाहिए था। वेरी स्टेटमेंट इसलिए नहीं था कि फेलियर्स हो रहे थे क्योंकि अमता फिर हल्दिया दोनों फिर ये भी अमता जो ऑब्वियसली एसीआर के लेट डिपार्चर वाले आदत के वजह से फेल हुआ, उसके वजह से ये स्टेटमेंट नहीं था कि 2 महीने का बनाना चाहिए था। दिस वॉज बिकॉज कि मुझे कोलकाता में रहना अच्छा लगने लगा था बिकॉज 16 दिन हो चुके थे और एक सिटी के साथ इतना कभी टाइम एक्सप्लोर करने में स्पेंड नहीं किया था बिकॉज मुंबई के विसिनिटी में रहता हूँ, बट ऐसा डेडिकेटेड टाइम नहीं दिया था कि मैं 15 दिन या 20 दिन या 30 दिन पूरा मुंबई एक्सप्लोर करूँगा। तो ये ऐसा मेरा फर्स्ट टाइम था कोलकाता के साथ, तो अच्छा लगने लगा था कि अरे यार अगर 1 महीने की जगह 2 महीने का ट्रिप भी रहता तो भी बहुत एंजॉय कर लेता, बट जो टाइम लैप्सेस का शॉट था वो देखा कि गोघाट तो दोनों क्लियर हो गए, दोनों सक्सेसफुली शूट हो गए विदाउट एनी इशू, दो मुझे वो स्टैंडिंग पोजीशन में करना पड़ा बिकॉज XWR रैक था तो उसको भी ग्रिल्स रहते हैं तो विंडो में नहीं लगा सकते। जो हावड़ा आमता प्लांट था वो वापस एक बार हावड़ा से आधा घंटा लेट डिपार्ट हुई ट्रेन, उसके वजह से जो कोना स्टेशन के आगे का पार्ट है वो पूरा डार्क चला गया बिकॉज डे लाइट उतनी टिकती नहीं वहाँ पे, बट एज पर शेड्यूल वो टिकनी चाहिए थी कि 5 बजे का शेड्यूल था उस ट्रेन का आमता पहुँचने का, तो अगर एज पर शेड्यूल चलती तो वो सक्सेस हो जाता। सो इन दोनों डेज में ऐसा रहा कि SER का जो प्लान था वो मैं नहीं बोल सकता था कि सक्सेसफुल हुआ, इसलिए ये पूरे ट्रिप में जो ऐसा ब्लैकआउट टाइम अगर कुछ लगा मुझे तो वो SER के साथ था। आगे भी जो जो हुआ वो मैं शेयर करूँगा अगले वीडियोज़ में, ये वीडियो के लिए तो फिलहाल बस इतना ही, अगले वीडियो में वापस मुलाकात होगी और जल्दी ही अपलोड करूँगा।